नमस्कार, मेरा नाम आदित्य राज है। मैं करेंटली अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और मैंने 66 और 65 दोनों बीपीएससी में सफलता पाई है। 66 में मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक एनआईटी अगरतला से किया है। आज मैं 67th बीपीएससी के पोस्ट प्रेफरेंस पे डिस्कस करूँगा। चूँकि पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा होता है कि अगर आप एक बार किसी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाएँ तो उसे अपग्रेड करना और चेंज करना काफ़ी कठिन होता है मौजूदा कंपटीशन के लेवल को देखते हुए। इसलिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से बढ़े, इसलिए मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उस पैरामीटर के आधार पर हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस डिस्कस करेंगे। पहला है जॉब डायनेमिज्म, जॉब सेटिस्फैक्शन। दूसरा है सोसाइटी में प्रेस्टीज, और तीसरा है लेवल 9 लेवल 7, फिर प्रोमोशनल एस्पेक्ट और नेचर ऑफ वर्क, काम का नेचर कैसा है। ये 5 है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। आप भी जब सोचें इसी आधार पर सोचें, जॉब डायनेमिज्म, जॉब सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी में प्रेस्टीज, लेवल 9 या 7, प्रोमोशन और नेचर ऑफ वर्क। आधार पर जब हम 67 को देखते हैं, जो रोस्टर में सीट है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप बिहार प्रशासनिक सेवा से, और जिन्हें पुलिस पसंद है वो पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग, आरक्षी शाखा, इससे सेलेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक एक अच्छा पोस्ट है। इसके अलावा बिहार शिक्षा सेवा, ये काफ़ी डायनेमिक पोस्ट है क्योंकि शिक्षा का काफ़ी महत्व है और लेवल 9 का भी पोस्ट है, रेस्पेक्टेड पोस्ट है सोसाइटी में, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। बिहार वित्त सेवा और बिहार निर्वाचन सेवा, इन दोनों पर ध्यान देंगे। जो निर्वाचन सेवा है ये अनुमंडल स्तरीय पोस्ट है और इसमें आप निर्वाचन के सहयोग के रूप में काम करते हैं, इसका भी प्रोमोशनल एस्पेक्ट अच्छा है। इसमें आपको खासकर नेचर ऑफ वर्क बहुत ही कूल और शांत है, कुछ ऐसा ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली बिहार वित्त सेवा है। इसमें भी नेचर ऑफ वर्क बहुत शांत है, लेवल 9 का जॉब है और प्रोमोशन एस्पेक्ट दोनों में ठीक ठाक है। बिहार शिक्षा सेवा को आप इन दोनों से ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि बिहार शिक्षा सेवा थोड़ा रेपुटेड इन सोसाइटी है। और जहाँ तक एक चीज़ देखने को मिला है गाड़ी, तो व्हीकल की सुविधा इन तीनों सेवा में फिलहाल अभी नहीं है। फील्ड जॉब के अलावा व्हीकल की सुविधा नहीं मिलती है, जब आपको काम रहेगा तभी व्हीकल मिलेगा, इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो एक पोस्ट है नगर कार्यपालक पदाधिकारी, इस पर मैं डिस्कस कर लूँगा बाद में। तो आप शिक्षा सेवा, फिर निर्वाचन और फिर वित्त सेवा। वित्त सेवा का जॉब एक ऑफिशियल जॉब हो गया है, उसमें जीएसटी के आने के बाद वो ऑफिस वर्क के तरह उसमें काम करना पड़ रहा है। निर्वाचन थोड़ा फील्ड वर्क है, इलेक्शन के समय ये हेक्टिक रहेगा, अन्यथा बहुत शांत रहेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं बिहार प्रोबेशन सेवा, इसमें गाड़ी है, लेवल 9 का जॉब है और इसमें जेल के कैरेक्टर रिपोर्ट लिखने होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसमें हेक्टिक है। इसमें गाड़ी वगैरह की सुविधा है, इसे आप अगर किसी को इन सभी की इच्छा हो तो इसे ऊपर डाल सकते हैं। काराधीक्षक भी अच्छा पोस्ट है। उसके बाद एक आता है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, ये और समाज कल्याण विभाग का एक पोस्ट है, समाज सहायक निदेशक सोशल सिक्योरिटी, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी। इसमें आप अपने हिसाब से, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी में आपको समाज के बेनिफिट जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो उसे ग्राउंड लेवल तक जो बेनिफिट है उसे इंप्लीमेंट करने का, उसका डेटा वगैरह चेक करने का होता है। जिला स्तरीय पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी भी डेटा से रिलेटेड पोस्ट है, जिसे मैथ वगैरह अच्छा हो और उस वो इस प्रेफरेंस में दे सकता है। ये भी जिला स्तरीय पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। फिर आता है श्रम अधीक्षक, लेबर सुपरिटेंडेंट, इसे आप इन दोनों के नीचे दे सकते हैं। ये लेबर का जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर ऑप्शनल पढ़े होंगे उसका लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का चेक करता है। अब हम आते हैं कुछ लेवल 7 के पद पे, उसमें नगर कार्यपालक पदाधिकारी MEO जो आगे देखेंगे आप, वो काफ़ी एक अच्छा पद है। उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन आपको अच्छा मिलेगा और इसके अलावा उसमें आपको गाड़ी वगैरह की भी सुविधा है और प्लस उसमें इंस्टीट्यूशन थोड़ा इंडिपेंडेंट है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है, जो अन्य कई सारे जॉब से उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है। तो लेवल 7 का MEO पद को आप कुछ लेवल 9 के ऊपर, जिन्हें डायनेमिज्म,
को देखना हो वर्क के, वो उसे प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कूल जॉब है, जैसे कि बिहार वित्त सेवा, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार निर्वाचन सेवा, ये सब शांत जॉब है, ये लड़कियों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी लेवल 7 का मेरे हिसाब से सबसे अच्छे पदों में से एक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, ये तीनों ब्लॉक लेवल पोस्ट हैं। जब आज के डेट में प्रखंड स्तर पर BPRO के आने के बाद से डबल पावर सेंटर हो गया है, तो BDO और BPRO में थोड़ा सा डबल पावर सेंटर के कारण जो वर्क है उसको डिफाइन करने में थोड़ी परेशानी हो रही है ग्राउंड पे उन लोगों में। तो आप राजस्व अधिकारी को बेटर प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पावर सेंटर क्रिएट नहीं है, और उसके बाद BPRO और फिर BDO, इस तरह से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। हालांकि BDO शुरू से अच्छा पद रहा है, परंतु BPRO आने के बाद उसके कुछ शक्तियां उसकी BPRO में समाहित कर दी गई है, इसलिए आप BDO और BPRO को अच्छे से समझ लेंगे कि किसे ऊपर रखना है, और राजस्व को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। राजस्व हालांकि हेक्टिक है, ये तीनों हेक्टिक है, इस तीनों में और म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चारों हेक्टिक है, चारों में टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा है अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी, ये ABC और EBC के सोशल वेलफेयर के लिए, ध्यान दीजिए यह अनुमंडल स्तरीय पोस्ट है, लेवल 7 का है, अनुमंडल स्तरीय है, इसे ऊपर रखेंगे। प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ये भी लेवल 7 का पद है, लेकिन ये प्रखंड स्तर है, तो जनरल सा बात है कि प्रखंड स्तर से ज़्यादा अनुमंडल स्तर को प्रायोरिटी दें और उससे बढ़िया जिला स्तर को प्रायोरिटी दें, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी देने में। ऊपर मैंने लगभग सभी पद डिस्कस कर लिए हैं। एक है सहकारिता विभाग सहायक निबंधक सहयोग, ये सभी जो पद हैं सहकारिता और सहायक योजना पदाधिकारी, ये सभी अंकेक्षण के नीचे आप लेवल 9 में दे सकते हैं, ये दो पोस्ट पे मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेवल 9 का पोस्ट है। तो कुल मिलाकर मैंने लगभग सारे पोस्ट को डिस्कस कर लिया है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग और एक और मद्य निषेध का है, ये दोनों जो है अच्छे पद हैं, इन्हें आप शिक्षा सेवा के आसपास स्पेस दे सकते हैं आराम से। तो मेरा जो ये एक तैयार हो रहा है ओवरऑल, वो ये हो रहा है कि बिहार प्रशासनिक सेवा पुलिस उपाधीक्षक, अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, एक अच्छा पोस्ट है, जिला लेवल का पोस्ट है, और मद्य निषेध का अधीक्षक, ये सभी जिला लेवल के पोस्ट है। शिक्षा सेवा, फिर वित्त सेवा और निर्वाचन में, निर्वाचन थोड़ा फील्ड भी जॉब भी है तो आपको फील्ड भी मिलेगा, वित्त बिल्कुल ऑफिशियल है, तो इन दोनों में आप देख लेंगे कि किसे प्रेफरेंस देना है। और प्रोबेशन सेवा, इसमें गाड़ी है, थोड़ा हेक्टिक है, और जिला अंकेक्षण को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें। समाज कल्याण, फिर उसके बाद श्रम अधीक्षक, और लेवल 9 और 7 में एक 7 का पद है MU, इसे अपने हिसाब से समझ लें। जिसे कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है अथवा शांत जॉब का प्रेफरेंस करना है, जिनकी उम्र बची हुई है, वो आप शिक्षा, वित्त, निर्वाचन, इन सभी सेवाओं को दें ऊपर, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा बचता है। MU जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है और पहले भी जॉब कर चुके हैं और लग रहा है बार बार एग्जाम देना संभव नहीं है, तो वो MU म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव को ऊपर रख सकते हैं। आगे राजस्व को ज़्यादा प्रेफरेंस दें BPRO और RDO में, और लेबर इन्फोर्समेंट को उससे कम, फिर BC EBC वेलफेयर ऑफिसर, और उसके बाद SC ST वेलफेयर, इन सभी में आप अपने हिसाब से अपने जॉब के प्रायोरिटी को चुन सकते हैं। मुझे लगता है मैंने सभी को डिस्कस किया है, आप पैरामीटर्स को ध्यान से देख लें जो पैरामीटर है, और आप घर पे भी इन्हीं के बेसिस पे से अपने सेलेक्ट करें, जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन और सोसाइटी में प्रेस्टीज, प्रोमोशनल एस्पेक्ट और नेचर ऑफ वर्क, किसमें हेक्टिक है, जैसे कि रेवेन्यू, BDO, BPRO, MU, ये हेक्टिक जॉब है, इसमें भाग दौड़ है। लेवल 9 और 7 में कन्फ्यूजन होगा आपको MU भरने में और फाइनेंस वगैरह भरने में, इसे देख लें कि आप लेवल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या फिर वर्क, नेचर ऑफ वर्क को। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट आप शिक्षा में, वित्त में, निर्वाचन में, और बिहार प्रशासनिक तो ऑलवेज 1 है ही, और बिहार पुलिस उपाधीक्षक, इन दोनों के अलावा मैंने जो देखा इम्पोर्टेंट डिस्कस किया। थैंक यू।
एंड माई बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। आप पढ़ाई करें और सक्सेस पाएँ। धन्यवाद।